क्या धोनी की टीम बन पाएगी किंग या फिर राजस्थान होगी रॉयल। दोस्तों आईपीएल 2021 फेज टू में आज दो मुकाबले खेले जाने वाले हैं। पहले मैच में मुंबई तो दिल्ली का सामना होगा, तो वहीं दूसरे मैच में होने वाला है राजस्थान और चेन्नई का आमना सामना। आइए वीडियो में बात करते हैं राजस्थान वर्सेस चेन्नई की फैंटेसी 11 के लिहाज से किन खिलाड़ियों को मिल सकता है इसमें मौका। आइए बात करते हैं विकेट कीपर की, तो इस मैच के लिए बतौर विकेट कीपर संजू सैमसन और एमएस धोनी को शामिल किया जा सकता है। सैमसन राजस्थान रॉयल के लिए अभी तक अकेले संघर्ष करते नजर आए हैं, 11 मैचों में 452 रन बना चुके हैं। संजू ऑरेंज कैप की रेस में भी दूसरे स्थान पर हैं, वहीं धोनी ने विकेट के पीछे शानदार कीपिंग के साथ पिछले मैच में बल्ले के साथ भी जलवा बिखेरा था और छक्का लगाकर सीएसके के लिए मैच फिनिश कर मैदान पर लौटे थे। फैंटेसी 11 में ये दोनों खिलाड़ी आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं। बतौर बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस पर भी दाव लगाया जा सकता है। जायसवाल ने अभी तक राजस्थान को बेहतर शुरुआत दिलाने के अलावा अपने प्रदर्शन से भी खासा प्रभावित किया है। 7 मैचों में 187 रन बना चुके हैं और बढ़िया लय में भी दिख रहे हैं। गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जोड़ी ने सीएसके को सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। प्लेसिस ने 11 मैचों में 435 तो ऋतुराज ने भी 11 मैचों में 407 रन बना लिए हैं। आइए बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो फैंटेसी 11 के लिए बतौर ऑलराउंडर्स ड्वेन ब्रावो और स्वयं दुबे को चुना जा सकता है। ब्रावो फेज टू में बेहतरीन लय में है और टूर्नामेंट में अब तक 7 मैचों में 11 विकेट ले चुके हैं। मौका मिलने पर वह बल्ले से भी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं दुबे को यूएई लीग में अभी तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन इस मैच में उनको आजमाया जा सकता है और वह टीम के लिए मैच जिताऊ पारी भी खेल सकते हैं। आईपीएल के 21 मैचों में शिवम ने 120 की स्ट्राइक रेट से 314 रन के साथ कई विकेट भी चटकाए थे। गेंदबाजों के मामलों में शार्दुल ठाकुर, जूस हेजलवुड, चेतन साकरिया और कार्तिक तागी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हेजलवुड सीएसके के लिए छुपे रुस्तम रहे हैं और 4 मैचों में 6 विकेट ले चुके हैं। शार्दुल ने भी अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है और 11 मैचों में 11 विकेट हासिल की है। राजस्थान रॉयल के लिए चेतन साकरिया अब तक के 11 विकेट ले चुके हैं और पहले चरण में जब इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था तब रायडू, धोनी और रैना के विकेट चटकाए थे। कार्तिक भी 4 मैचों में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं और अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। बहरहाल इस मैच में आपको क्या लगता है कि किस टीम की होने वाली है जीत, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। और अगर आप हैं सीएसके के फैन तो सीएसके विन कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। और ऐसे ही फैंटेसी 11 सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।